साथिया तूने धोखा दिया, मैंने फिर भी तुझे एक मौका दिया। ओ साथिया तूने धोखा दिया, प्राइस खराब करोगी, शोर मत करो। क्या रखा है? सब हो गया, कुछ कमी लग रही है। केक, ये हुई ना बात, परफेक्ट। वाओ, जबरदस्त, बहुत अच्छा डेकोर किया फलक, तुमने कमरे के लुक ही चेंज कर दी। इस्ता मामा, इतनी देर से तो तैयारियां करी, अब इतना अच्छा तो लगना बनता था। बहुत अच्छा। शाहीन, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें जो मैंने समझाया था ना, बिल्कुल वही करना है तुमने। पहले तो लाइटें ऑफ कर दो सारी, और दूसरा ना नवाना पी के कमरे के बाहर जाके शोर मचाओ। नहीं, ऐसा करो, वो जो गुलदान पड़ा है ना साथ में, वो तोड़ दो। अरे क्या कह रही हो, इतना महंगा है वो बात। तो मामा आपकी बेटी उससे ज्यादा थोड़ी के फिर ले आएंगे। जाओ अब ऐसे ही करो, जाओ 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 जाओ। चाहे कुछ नहीं होता ना, आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नॉटी हो तुम। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? ऑब्वियसली इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है, वो आप, जिसका बर्थडे मुझे याद है। थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत सारा प्यार। खुश रहो। अम्मी, आपको भी पता था आपने मुझे हवाई नहीं लगने दी। भाई फलक ने तुम्हें सरप्राइज देना था, मैं तुम्हें कैसे बता देती? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मम्मा चले ना केक काटिंग करते। आप बार बार मेरी पिक्चर्स में आ रहे हैं, साइड पे हो जाएं प्लीज। I'm sorry, लेकिन उस साइड पे व्यू ज्यादा अच्छा है।
शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो साइड स्पेशली हमने अपने कस्टमर्स की ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर करने के लिए बनाई है। आई एम श्योर यू विल लव इट। हमने मतलब? आई एम कबीर, ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। Excuse me. Assalamu alaikum ji. I'm Alia, one of the partners in the restaurant. Oh, wa alaikum assalam, Menwal. It was so nice to meet you. Great. Kaise hain aap? Good to see you here. I'm well. Aap log bataiye, aap logon ka order bilkul theek se aaya hai? Ji, bilkul. Everything is here. Anything missing? Everything's perfect. Thank you. Taste bhi bahut acha hai. By the way, aapke restaurant ka ambiance bahut acha hai. Food presentation is really nice. Thank you so much. आप लोगों के अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, माहौल को बेहतर करने के लिए, यू नो, इंटीरियर, और कोई मेन्यू में डिश ऐसी हो जो आपको लगता है नहीं लेकिन हमारे पास होनी चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो। सीरियसली एवरीथिंग इज़ ग्रेट, आई डोंट थिंक मैं कोई सजेशन कर सकती हूँ, इट्स लवली। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, आई एम आलिया, दिस इज़ फलक, ये मेरी बहन है आलिया, ये यहाँ की ऑनर है। नाइस टू मीट यू। Same here. Excuse me. Bhabhi, we have to leave. Traffic bahut hoga. Lovely to see you guys. Do you enjoy your food and please do visit again. Definitely, definitely. Thank you. Khuda hafiz. Halak? क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? चोट तो नहीं आई ना तुमको? जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटा सा एक्सीडेंट था, कुछ भी नहीं हुआ। क्या भाई, कितनी दफा गया तुम्हें? ध्यान से ड्राइव किया करो, आराम से चलाया करो। भाई कुछ नहीं हुआ था, मेरी गलती नहीं थी, वो ड्राइवर ही अंधा था, ऊपर से गाड़ी मार दी और फिर कहता माफ कर दे, माफ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, कब आए? काफी देर से आए हुए। कोई इंसान इतनी जल्दी अपने रंग ढंग बदल सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम चाल ढाल अंदाज सब कुछ बदला हुए। भाभी, फलक मेरी बेटी है, नवाज की छोटी बहन है, क्यों कर रही हैं आप इस तरह की बातें? प्रिया, कभी तो बस कर दिया करो। मैंने सब क्या कह दिया? सुल्ताना, प्लीज तुम माइंड मत करना। मम्मी बुला रही है, आ जाओ। वाओ मनी जा रहे हैं, मिल लो उनसे। मुझे नहीं मिलना किसी से, अब बता दे मामा को। क्या मिलता है लोगों को दूसरों के जख्म को रेत के? मानी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, तो पता है उनके दिमाग में जो आता है वो सोचे समझे बगैर कह देते हैं। इसमें हमारा कसूर कि हम किस घर में पैदा होते हैं? ये मेरी गलती है कि मैं नौकरों के घर में पैदा हो गई। तुम क्यों इस बारे में इतना सोच रही हो? लोगों की बातों पर इतना फोकस करोगी, इतना दिल पर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल होगी फलक। अच्छा मेरी बात सुनो,
अपने आंसू पोछो और फ्रेश होके नीचे आ जाओ। मामो मानी के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना कि उनकी बातों से तुम कतन भी अफेक्ट होती हो। यू नो द रूल ना, नेवर इन फ्रंट ऑफ देम। चलो आ जा। भाभी आप इतनी जल्दी जा रही हैं, मेरा तो दिल ही नहीं भरा। अरे सुल्ताना, तुम्हें तो मालूम है कि अपने घर जाके नींद आती है, और आना जाना तो लगा रहेगा ना। इंशाल्लाह, फिर नवाल पता नहीं कहाँ रहेगी, मैं इसे देख कर आती हूँ। ठीक है। तवान क्या कर रही हो बेटा, बहुत ही देर हो गई, जा रहे वो लोग। बस बस अम्मी, को ये चावल रहता है। लगता है हमारी बातों को दिल पर ले लिया है तुमने। जी मामी जान, कुछ देर के लिए महसूस हुआ था, फिर दिल को समझा लिया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी हजम नहीं होती, फिर ठीक हो गई थी। कि क्या बदतमीजी है, अपनी हद में रहो लड़की। आप भी अपनी हद में ही रहें। ये तो सुल्ताना का शर्फ है कि तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, वरना तुम जैसे कमजोरों का ठिकाना कहाँ होता है, ये तो तुम्हें भी मालूम है। दूसरों की दौलत और इज्जत पर सांप बनकर पल रही हो। लेकिन मामा जान, यहाँ बात कमजोरी की नहीं, किस्मत की, और किस्मत ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। जर्फ तो आप मेरा देखें, आज आप यहाँ से बाइज्जत तरीके से जा रही हैं। आइंदा ख्याल कीजिएगा। बहुत ही बदतमीज हो तुम, तुमसे तो वो ही नहीं लगना चाहिए। Excuse me, ladies and gentlemen, हमारे इस रेस्टोरेंट के ओनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्लीज बी अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर न्यू जर्नी। कबीर फूड आज उसकी नई ब्रांच का आगाज हो चुका है, एंड आई एम ग्लैड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। आप लोगों की पजीराई के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच। इसीलिए यहाँ पे मौजूद हर शख्स के लिए कबीर फूड्स की मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए फ्री। और आज की ये हाई थी मेरी तरफ से। एंजॉय योर इवनिंग। यार कितना हैंडसम है ना। रेस्टोरेंट का ऑनर है, तुम्हें घास नहीं डालेगा। हाँ फलक, तुम्हें तो खुद के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जहाँ मैं जाती हूँ फिर वहाँ मेरे अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता।